अब आप मान लिखेंगे तो लाम अलिफ लाम लगता है उसमें, तो फिर हम लाम बनाएंगे ठीक है हाफ फुल नहीं, क्योंकि फुल जो है हम अलग से जो लेटर्स लिखते हैं उसमें जॉइनिंग में तो ज़ाहिर है हाफ आएगा ठीक है। इसका भी सेम ऐसे ही बनेगा लेकिन ये वाला जो पार्ट मैंने बताया ना लाम में जो है लेफ्ट साइड पे आएगा ठीक है। सेम यहाँ से लेकर फर्स्ट बॉक्स से लेकर टेंथ बॉक्स तक सिंपल सी ही बनेगा लाम। ये वाला पार्ट बिल्कुल ज़्यादा के सेम होगा ठीक है, फर्स्ट बॉक्स से लेकर ये जो हमारा सेकंड बॉक्स है आप लोग जो है हर लेटर पे हर उस पर जो है चाहे तो नंबर्स भी ज़रूर मेंशन कर दें ताकि आसानी हो जाए ठीक है। ये हमारा हो गया वन और ये टू ठीक है। सेकंड बॉक्स का सेकंड बॉक्स में हमने सीधे यहाँ ही लगाना ठीक है, और ये इस रॉ में लगाना है। सेकेंड बॉक्स के बिल्कुल मिड में हमने पार्ट लेना जैसे मैंने बताया था ठीक है, सीधे ना फिर इसको ज्वाइन कर लेना। अच्छा कोशिश करेगा कि डॉट्स थोड़े हल्के लगाएं, मैं आप लोग को समझाने के लिए लगा रही हूँ ठीक है, वरना जो डॉट्स ना अलग अलग से दिखते तो बहुत बुरे लगेंगे, इसलिए आप लोग जो है ना बहुत हल्के हाथ से लगाएं वरना फिर जो है बाद में रब कर दिया करें, रब करके फिर उसको सही से ज्वाइन कर लिया करें। फिर यहाँ से हम सेकेंड बॉक्स से लेकर ये जो हमारा नाइन्थ बॉक्स है इसके यहाँ इसके एंड तक हमने डॉट लगाना है ठीक है। सिंपल सी लाइन बना लेंगे फिर ठीक है, पूरा अलिफ की तरह ही बना है तकरीबन। अब हम क्या करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने डॉट्स लगाए हैं और एक डॉट यहाँ लगाना है ठीक है। यहाँ नाइन्थ बॉक्स तक हमने लगाई थी लाइन ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और इससे बॉक्स एक बॉक्स ऊपर यानी उसी बॉक्स के ऊपर हमने डॉट लगा लिया ठीक है। अब हम ये लाम का बनाए हैं जैसे रखा इसको हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये जो टेंथ बॉक्स से लेकर यहाँ तक थर्ड तक थ्री बॉक्सेस तक हमने लाइन लगा ली सही है, ये यूँ करके हमारा लाम बन गया। अब जो यहाँ से जो है अब हमारा रॉ बनेगा ठीक है। अच्छा ये टू बॉक्सेस तक लगाना है, तक नहीं करना गलती से हो गया, यहाँ टू बॉक्सेस तक हमने लगाना है लाइन सही है। यहाँ से नीचे हम लेके जाएंगे फिर। अब ये जो ऊपर वाला डॉट था